आपको अवश्य देखना होगा, क्योंकि यह रूप देखने के लिए आपने यह सब किया। माता जी ने आपको लाख बार समझाया, परंतु आपकी समझ में कुछ नहीं आया, और आज साक्षात विराज आपके सम्मुख आया है। आप इससे कदापि मुख नहीं मोड़ सकते। अब आपको यह सब देखना होगा, अवश्य देखना होगा। नहीं, सती नागराज की बेटी तुझे विधवा देकर छाती फटी जाती है, परंतु याद रखो, इस पाप का बदला उतारा जाएगा और एक मेघनाद के बदले संपूर्ण बादल मारा जाएगा। आग की अग्नि बनूंगा और जलाता जाऊंगा, काल की सूरत बनूंगा और खाता जाऊंगा, मिटाकर अपने शत्रु को आज दम लूंगा मैं। अरे उस लक्ष्मण की खान खिंचवा कर ही चैन लूंगा मैं। बस महाराज, मुझे बदला नहीं, अपने पति का शीश चाहिए। पिताजी, यह बेटी तो केवल आशीष चाहती है, अब बदले से क्या होगा, निष्पति का शीश चाहती है। वे गए भी गति पाकर, मैं संग में उनके जाऊंगी। पति का शव चिता मैंने, सा आनंद सती को चाहूंगी। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। रावण की पुत्र वधु और अन्य भिखारियों के पास जाएगी, यह असंभव है। सुलोचना, तुम जाओ और महलों में आराम करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान, ओ शत्रुओं का नाश करने वाली भुजो, सावधान, खड़क जाओ, कैलाश को उठाने वाली भुजो, फड़क जाओ। हे दामाद तल के बादलों, सावधान हो जाओ। आज तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। आज यदि शंकर, ब्रह्मा, विष्णु तुम्हें बचाने भी आ जाए, तो रावण के क्रोध से नहीं बचा सकते। शक्तियां आ जाए सारी विश्व की मिलकर, अगर देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सब